हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शार्क टैंक पर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने लेनोवो का आइडिया पैड स्लिम 3 लैपटॉप अनबॉक्सिंग करूंगा, जो कि विंडो 11 के साथ है एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 यानी कि 2021 का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 मिल जाता है यहाँ पर। एंड मॉडल नंबर यहाँ पर और प्राइस देखने को मिल जाता है, जो कि मार्केट में आपको 30,000 के अप्रोक्स या अंडर मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कंपनी ने और क्या इस पे डिस्क्रिप्शन दिया है। यहाँ पर मिल जाता है लेनोवो इंटेल इनसाइट प्रोसेसर, इंटेल N4020, ओके, 4 GB रैम, 256 GB SSD, फुल HD डिस्प्ले, विंडोज 11 एंड होम सिंगल लैंग्वेज, और मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2021। फ्रेंड्स, लेटेस्ट लैपटॉप है 2021 का, 1610 यानी कि 10th महीने का, मंथ्स का है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को मेरे लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया है यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर मिलता है हमें लेनोवो का एक चार्जर एडेप्टर, जो कि 45 वाट्स का है, 2 सेल बैटरी के साथ है। लैपटॉप हमारा करीब नियर अबाउट 1 आवर्स 150 आवर्स में पूरा फुल चार्ज हो जाता है, और बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा है, 4 to 5 आवर्स बैटरी बैकअप है इसका। बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है लैपटॉप की, देखने में इतना फाइन फिनिशिंग के साथ लग रहा है, प्लेटिनियम ग्रे कलर लैपटॉप है, देख सकते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव है लेनोवो आइडिया पैड स्लिम 3। और राइट साइड में इधर लेनोवो का एक लोगोस मिल जाता है, जो कि मेटल में है, और लैपटॉप का लुक भी मेटल बॉडी जैसा लग रहा है, और पूरा बिल्ड क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा है। 15.6 इसका डिस्प्ले है, देख सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूमेरिक कीबोर्ड दिया है कंपनी ने, चिकलेट वाटरप्रूफ कीबोर्ड है। थिन वेजल दिया है काफी कंपनी ने, काफी पतला वेजल है, देख सकते हैं काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। इंटेल इनसाइट प्रोसेसर का लोगोज है यहाँ पर, देख सकते हैं 12 कोर इंटेल इनसाइट प्रोसेसर, ओके। और इधर कुछ एक और डिस्क्रिप्शन दिया है, डिजिटल डॉल्बी साउंड मिल जाता है, आइडिया पैड सिलिंद्री का लोगो विद बारकोड स्कैनर के साथ है, और काफी अच्छा लैपटॉप विद मल्टी कैचर टच पैड के साथ मिलता है ऑल्सो। और फ्रेंड्स, यहाँ पर 8 GB रैम सपोर्टेबल लैपटॉप है ये, आप इसमें रैम अपग्रेड कर सकते हैं, 4 GB रैम इंटीग्रेटेड दिया है इसमें कंपनी ने, और 180 डिग्री पूरा फ्लैट हो जाता है लैपटॉप, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। लेफ्ट साइड में कंपनी ने एक चार्जिंग पोर्ट दिया है, HDMI 3.2 USB एंड 3.0 USB, 3 पोर्ट्स एक साथ दिए हैं लेफ्ट साइड में कंपनी ने, देख सकते हैं यहाँ पर। एंड राइट साइड में दिखा दूंगा मैं आपको कितने पोर्ट्स दिए हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कनेक्टिविटी कंपनी ने लेफ्ट साइड में आपको दी है, ये एक बहुत अच्छी बात है। विद एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, HD डिस्प्ले है, ओके। और यहाँ पर हमें जो इसमें कंपनी ने विंडोज जो दिया है, विंडोज 11 है, ओके, 64 बिट्स, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के साथ 2021 मिल रहा है हमें यहाँ पर फ्रेंड्स। और कूलिंग का इसका वेंटिलेटर बहुत ही अच्छा है, हिंज की बैक साइड में भी दिया हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर कूलिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। अब लैपटॉप को मैं हर एंगल से आपको शो ऑफ करा देता हूँ, फाइन फिनिशिंग के साथ काफी अच्छा अट्रैक्टिव लुक दिख रहा है लेनोवो का, और यहाँ पर 180 डिग्री देखिए फ्लैट हो जाता है लैपटॉप, तो लैपटॉप पूरा फ्लैट हो जाता है। राइट साइड में बिग माइक्रो एसडी बड़े वाला कार्ड रीडर का स्लॉट दिया है, 3.5 mm साउंड जैक है, एंड वाईफाई 6 कनेक्टिविटी है, और ब्लूटूथ 5.1 वर्जन है। सो फ्रेंड्स, ये लैपटॉप लेटेस्ट ही रिसेंटली अंडर 30,000 के अप्रोक्स में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूमेरिक कीबोर्ड के साथ, 15.6 डिस्प्ले, HDD एंड जेन्युइन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट एंड MS ऑफिस। सो यहाँ पर लैपटॉप के बात करूँ तो वेजल काफी पतला थिन वेजल दिख रहा है, देख सकते हैं आप। और टॉप पे हमें यहाँ पर एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 250 निट्स और 2 माइक्स मिल रहे हैं, और हमें एक शटर ऑन ऑफ कैमरा मिल जाता है, जो कि कैमरे को हम लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को लैपटॉप बूट करके दिखा दूंगा, इसका स्पीड वगैरह जो भी है, देखिए कितना वेजल थिन है, काफी पतला स्लिम ट्रिम है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को लैपटॉप पसंद आया होगा, अंडर 40,000 में काफी अच्छा लैपटॉप है, हल्का फुल्का। और बैक साइड पैनल की बात करूँ तो यहाँ पर कंपनी ने काफी अच्छा विंड दिया है, कूलिंग सिस्टम बहुत बढ़िया है, और पैनल के नीचे ही एक स्टिकर्स और मिल जाता है, जो कि मॉडल नंबर है
एंड विंडोज 11 का लोगोज मिल जाता है विद माइक्रोसॉफ्ट। लेफ्ट एंड राइट साइड में लिफ्ट होते हुए स्पीकर मिलते हैं, डिजिटल डॉल्बी साउंड मिलता है हमें। ओके, सो फ्रेंड्स, इसमें आपका डेली नीड का यूज बड़े आराम से हो जाएगा, जैसे कि आपको शॉप पे रखना है, बिल वगैरह काटने हैं, इन सब के लिए। और बच्चों के लिए, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 के लिए, बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा लैपटॉप है। सो यहाँ पर देख सकते हैं लैपटॉप फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लैपटॉप लग रहा है। देख सकते हैं पूरा 180 डिग्री तक पूरा फ्लैट हो जा रहा है लैपटॉप। देखिए हर एंगल में, कभी आपको इसमें शिकायत नहीं मिलेगी हिंज की, ब्रोकन की। सो यहाँ पर हिंज के लिए काफी अच्छा लैपटॉप है, यानी कि आपका हिंज इसमें ब्रोकन नहीं होगा और बहुत ही अच्छा फाइन फिनिशिंग है। चलिए अब हम इसको बूट कर लेते हैं, लैपटॉप के परफॉर्मेंस को देख लेते हैं किस तरीके का परफॉर्मेंस हमें दिखा रहा है। सो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है सीपीयू इंटेल इनसाइड प्रोसेसर मिलता है, डुअल कोर परफॉर्मेंस मैंने आपको क्लिक किया हुआ है। यहाँ पर सीपीयू देखिए 2.40 GHz बेस टू मैक्सिमम जाएगा। इंटेल एचडी ग्राफिक्स 600 सीरीज का मिल जा रहा है एंड 4 GB RAM मिल जा रहा है। फ्रेंड्स दोस्तों, हमें यहाँ पर मेमोरी देख सकते हैं आप, यहाँ पर 4 GB RAM मिल रहा है हमें, ये सामने शो कर रहा है। सिंगल रैम है इसमें और 2400 MHz की रैम है। 1 RAM इसमें मिल रहा है हमें सिंगल रैम, वो भी शोल्डिंग करा हुआ होगा शायद। और इसमें तोशिबा का SSD मिल रहा है हमें 256 GB, जो कि ये भी बहुत अच्छा है। तोशिबा का SSD काफ़ी अच्छा होता है। एंड GPU कहेंगे तो इंटेल का अल्ट्रा HD GPU मिल रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर लैपटॉप काफी अच्छा है, ओवरऑल फाइन फिनिशिंग के साथ है और अंडर 30,000 के अप्रोक्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को मेरा लाइक करें, चैनल को मेरा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसका कुछ कैमरा क्वालिटी, देख लेते हैं किस तरीके का दिख रहा है। तो मैं आप लोगों को चेक कराना चाहूंगा इसका कैमरा। तो ओवरऑल वीडियो चैटिंग के हिसाब से, आपका ऑनलाइन क्लास के हिसाब से, आपका कैमरा इसमें ठीक रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि कैमरे का क्वालिटी जो है HD है, यानी कि 720 पिक्सल नहीं है लेकिन HD कैमरा है। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।